नमस्कार। अक्सर अस्वस्थ खाना और अस्वस्थ लाइफस्टाइल के कारण स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की तकलीफ। इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आप अपने डाइट में कुछ करिए। एमरंथ के पत्ते, चिया सीड्स, स्ट्रॉबेरीज, काबुली चना, सनफ्लावर सीड्स, ये सब शामिल करें, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ब्लड शुगर को कम करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काफ़ी मददगार है। एमरंथ के पत्ते विटामिन ई, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होते हैं। टोकोट्रिनॉल, एक टाइप का विटामिन ई, एमरंथ के पत्ते में पाया जाता है और ये LDL जैसे खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एमरंथ के पत्ते टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों में ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है। आप एक कटोरी भर के एमरंथ पत्ते खा सकते हैं। साइड डिश के लिए एमरंथ के पत्तों को लहसुन और कांदे के साथ में सौते करिए। कटे हुए एमरंथ के पत्तों को सूप या कड़ी में डालें। एमरंथ के पत्तों को सैलड में डालें। दूसरा है चिया सीड्स। इनमें फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इन जैसे हेल्दी फैट्स होते हैं। चिया सीड्स में जो फाइबर होता है वो सोल्यूबल फाइबर है और म्यूसिलेज भी उसमें होता है, जो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डाइजेशन को स्लो करने और खाने के बाद ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। चिया सीड्स एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और बाकी चीज़ों से भरपूर है, जो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दिन में 1 से 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स खाना अच्छा होता है। आप चिया सीड्स को दही या दलिया में डाल के खाएं, चिया सीड्स को स्मूदी में डालिए, जूसेस बनाइए उसमें डालिए और ले, साथ ही बेकिंग करते समय भी डाल सकते हैं। तीसरा है स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज स्वाद के साथ साथ फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और बाकी न्यूट्रिएंट तत्वों से भी भरपूर होते हैं। फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल और इन्फ्लेमेशन को कम करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। स्ट्रॉबेरीज में शुगर की मात्रा दूसरे फ्रूट्स की तुलना में कम होती है, जो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है। आप दिन में 1 कप स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज को दही में मिलाकर खाएं, कटे हुए स्ट्रॉबेरीज को सैलड या स्मूदी में डालकर लें, एक स्ट्रॉबेरी सॉस बना लें जिसे आप साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं। चौथा है काबुली चना। काबुली चने प्रोटीन, फाइबर और बाकी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। फाइबर से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, डाइजेशन को स्लो करता है और खाने के बाद ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है। आप 1/2 कप अच्छी तरह पका हुआ काबुली चना खा सकते हैं। काबुली चने को मसाले के साथ मिक्स करके खाएं। एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए काबुली चने को सैलड्स में भी डाल सकते हैं। काबुली चने सेसमे सीड पेस्ट, लेमन जूस या लहसुन से हमस बना सकते हैं। 5वां, सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड फैट्स, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, हेल्दी फैट इन्फ्लेमेशन को कम करता है और दिल के सेहत को बेहतर बनाता है। ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित है, क्योंकि ये इंसुलिन लेवल को बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं। आप दिन में 1 या 2 बड़े चम्मच सनफ्लावर सीड खा सकते हैं। सैलड या सब्जियों के ऊपर सनफ्लावर सीड छिड़कें। अपने नाश्ते में सनफ्लावर सीड शामिल करें। सनफ्लावर सीड्स सैंडविच में बटर के साथ लगाकर खाएं। तो फिर इन 5 खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में शामिल करें और देखें आपका हार्ट हेल्थ कितना अच्छा होता है और आपके ब्लड शुगर लेवल भी कितने रेगुलेट होते हैं। हफ्ते में अलग अलग दिन एक एक फूड खाएं, ताकि आपको सभी फूड्स के न्यूट्रिशन प्राप्त हो। ये 5 फूड आपको पूरे दिन स्वस्थ रहने के लिए जरूरी पोषक प्रदान करेंगे। तो बस अपना ध्यान रखें। शुभमस्तु। नमस्कार।